मात्र 20 रुपए में, मात्र 20 रुपए में। यहाँ पे जितना भी सामान है कुछ भी लेना है आपको, मात्र 20 रुपए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज का पहला ब्लॉग है हमारा पटना में, और पहला ब्लॉग हम लोग सोनपुर मेला कवर करने वाले हैं। तो साथ में हमारे जा रहे हैं आज फिराज है, साथ में शादान है, वरुण है। सो अभी देखो, मेरे को सोनपुर मेले के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो शादान बताएगा कि आखिरकार इसमें होता क्या है। तो भाई, सोनपुर मेला का पूरा नाम हरिहर क्षेत्र मेला है, ठीक है। इसमें दुनिया का हर सामान आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। हाँ जी, जैसे हाथी घोड़ा जानवर से लेके इंसान तक यहाँ बिकते हैं, इंसान बिकते हैं, इंसान तक यहाँ बिकते हैं, सारे चीज अवेलेबल है, सारे चीज अवेलेबल जिसको बोलते हैं। तो आप समझ गए, चलेंगे तो आपको पता चलेगा, आप कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो समझ जाओ भाई, सारे कुछ मिलते हैं, तो आज वही कवर करने वाले। और चलो साथ में बने रहो ब्लॉग में, देखते कैसा होता है। तो यहाँ से जो है सोनपुर मेला स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है, और इस बोर्ड को तोड़ दिया गया है। तभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेले में, और ये रहा पार्किंग सेक्शन। पार्किंग सेक्शन की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखो यहाँ पे बाइक्स कैसे लगे हुए हैं, मतलब एक एक इंच का भी जगह नहीं है, मतलब कि किसी भी तरह करके सारे बाइक को एडजस्ट करना एक ही जगह, आप देख सकते हो सब इस तरीके से लगा हुआ है। तो जस्ट अभी चलिए, वहाँ से मेला आपका स्टार्ट है, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और चलते हैं, फिर दिखाते हैं सारा मेला। आई थिंक सो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि यहीं से काफ़ी ज़्यादा साउंड्स बज रहे हैं, तो हो सके तो ज़्यादा करके सिनेमैटिक शॉट्स ही रहेंगे। तो होप सो जैसा वीडियो बनेगा ज़रूर इन्जॉय करिएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं सोनपुर मेला, और यहाँ से इंट्रेंस है, और ये देख सकते हो सभी लोग हम लोग एक ट्रेन में आ चुके हैं, और यहाँ से इंट्रेंस होगा। अभी देखते चले कैसा आता है सारा सीन। आपका हैंडमेड वाला शॉप है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो सारा। सभी एक शॉप पे, यहाँ पे जितना सामान दिख रहा है सारे 20 रुपया में। तो हमने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये हमने लिया है, और ऑलमोस्ट सब सभी लोगों ने ये 20 रुपया में लिया, तो काफी सस्ते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सामान तो 20 रुपया में आपको मिल रहा है, तो काफी। स्टॉल पे नोटिस कर रहा हूँ कि जिस भी स्टॉल में आप जाओगे उसके फ्रंट में वहाँ पे उसका प्राइस लिखा हुआ है, और उस स्टोर में आप जो भी परचेस करोगे उसका वही प्राइस पड़ेगा। तो एक तरफ से देखा तो काफ़ी सस्ता भी पड़ रहा है, सारा कुछ सामान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बाकी बात जितना है सब सिनेमैटिक ही एंजॉय करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साउंड में यहाँ पे बज रहे हैं, तो ज़्यादा करके मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो सिनेमैटिक ही सारा एंजॉय करो। कितना पड़ेगा?
कुछ ना बोलिए ना इसका। तो भैया इसका दाम नहीं बोल रहे भैया, ऐसा कहा आप लोग एकदम दाम रखे निकल। आप कितने साल से बना रही हैं? 40 साल से। आप बनाकर तो आप दिखा सकते हैं? देख सकते हैं। नमस्कार, आप 51 किलो हैं, 51 किलो हैं, 51 किलो हैं, आपको व्यापार में लाभ होगा, सावधानी से काम करें। नमस्कार। और ये वाला कौन सा आता है? ये वाला? ये वाला? ये होगा 16-17। नहीं, ये तोता पारी सब है यहाँ पे। तोता पारी भी है और भी जात। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर एक तरीके के जानवर वगैरह भी मिलते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खस्सी वगैरह का मार्केट वगैरह लगा हुआ है, तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है और बहुत ही लंबा चौड़ा मार्केट है। अभी जो है इन लोगों ने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है, इन लोगों ने बोला कि यहाँ पे हाथी घोड़ा सब कुछ मिलेगा, काफ़ी दूर चला करके इन्होंने लाया है, बट लेकिन कुछ देखने को नहीं मिल रहा, बस यही रिजल्ट में यही खस्सी देखने को मिला है। इतने दूर से चलवा करके लाया है मेरे को, और इन रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? बकरी खस्सी। फिर बोलना चाहेंगे कुछ आप भी? अब भाई घोड़ा नहीं लगाया, हाथी नहीं लगाया, उसमें मेरी क्या गलती? अरे कम से कम मुर्गी दिखा दो, चूहा दिखा दो। इतने मशक्कत के बाद हमें एक घोड़ा देखने को मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा घोड़ा है, और इसके लिए हम अपने प्रिय सदान जी को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन इनके क्लिप को मैं काटने वाला नहीं हूँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें चलवाया है, तो इतना आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। वेल लेकिन ठीक है, एक घोड़ा मेरे को मिल गया, जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि घोड़ा दिखाएंगे, मिल गया घोड़ा, बस यही है, सब बढ़िया। प्लास्टिक का गमला भी है भाई, 40 रुपया में ही। ये कला बनता कैसे है? सिक्की का है, ये सिक्की है, सिक्की से ये सारा डेकोरेशन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और लगभग ये 20 सालों से काम हो रहा है। इस आर्ट का लाइफ है, 50 साल के बाद भी ये खराब नहीं होगा। यहाँ इंडिया से लेके विदेश तक यह बिजनेस पर्पस इसका बना हुआ है, ऑनलाइन इसका बिजनेस होता है। आपने सुन लिया सारा, और इनके और भी आप काम देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है इनका यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे, तो बहुत ही अपसेट है कि ये हैंडमेड सारा बना रहे हैं। सो गाइस, घूमकर हम सब का हो गया है, काफ़ी ज़्यादा रश था पूरे मेले में, और पूरे मेले में इतने ज़्यादा साउंड बज रहे थे कि मतलब मैं ब्लॉग कर ही नहीं पाया, तो ज़्यादा करके आपको जो है सिनेमैटिक शॉट देखने को मिलेगा, और कैमरे की बैटरी भी डाउन हो गई है, और हम सब की बैटरी भी डाउन हो चुकी है। ये लड़का जो है, इस लड़के का इतना ज़्यादा बैटरी डाउन हो गया है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ सकते हो हम सब के हालात, काफ़ी ज़्यादा खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो यही थी आज की ब्लॉग, अगर शॉर्ट एंड सिंपल था, जैसा भी था, अगर थोड़ा बहुत ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं मेरे साथ, तब तक के लिए बाय। आज आप पुलिस आ जाएगा रोकने।